स्वागत है आपका टेकविला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल के डिजिटल एज के अंदर में दोस्तों जितनी भी फोटोग्राफ्स हमने पहले ली हुई होती हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स होती हैं, उनको अगर आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसको मैं सजेस्ट आपको करना चाहूँगा। इसका नाम है फ़ोटो स्कैन बाय गूगल। तो जी हाँ दोस्तों, ये गूगल का ही एक ऐप है जिसका नाम है फ़ोटो स्कैन, और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसको स्कैन करने का तरीका क्या है, यहाँ पर नीचे आप जैसे इसको ओपन करते हैं, स्टार्ट स्कैनिंग वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसमें कैमरा परमिशन आपको अलाउ कर देना है, डिवाइस परमिशन आपको अलाउ कर देना है। करने के बाद में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो फ़ोटो मैं स्कैन करना चाहता हूँ ये हमारे सामने है, और सपोज़ ये वो फ़ोटो है दोस्तों जिसको मुझे स्कैन करना है, तो इस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। मूव द सर्कल, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सर्कल को मूव करने बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे उस सर्कल पे ले आते हैं, और जहाँ जहाँ ये सर्कल हमें बोल रहा है दोस्तों उधर पे हम ले जाएंगे इसको। और उसके बाद में दोस्तों हमें देखना है कि हमारी जो फ़ोटो है वो किस तरह की आ रही है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो फ़ोटो है ऑटोमेटिक इसने जो है दोस्तों इसके चारों कोने को ले लिया है और एडजस्ट कर लिया है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एडजस्ट कॉर्नर वाला ऑप्शन है, इससे आप इसके कॉर्नर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसने गलत एडजस्टमेंट कर लिया है तो आप यहाँ पर इसके कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, और डन पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है और ये हमारी फ़ोटो स्क्रीन में बन चुकी है। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर शेयर वाला ऑप्शन है, जहाँ पे शेयर वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं, जाके आप यहाँ से आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहें उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने मोबाइल में, तो यहाँ शेयर वाला बटन है, जहाँ पर कॉपी टू वाला ऑप्शन है, जहाँ पर जाके आप इसको जो है ये ले जाके आप इंटरनल में जाके आप जहाँ भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और आपकी फ़ोटो वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, और इसको आप वापस दोबारा खोल के चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से इसको आप डिलीट वाला ऑप्शन पर डिलीट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, इसके अलावा स्कैन मोर फोटो वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आप दूसरी फ़ोटो को स्कैन करना चाहते हैं तो उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका जो है जैसे यहाँ पर आपको बैक कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कि जो फ्लैश लाइट है अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कैमरे के बाजू में एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे फास्टर स्कैनिंग फॉर डॉक्यूमेंट एंड क्लियर फ्री इन्वायरमेंट वाला ऑप्शन है, इसको ओके पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करना चाहते हैं तो इसको बंद कर सकते हैं इफेक्ट को, अदरवाइज़ इसको जो है चालू रहने दीजिए। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं दोस्तों, फ़ोटो हमने क्लिक कर ली है, फिर वही आपको करना है इसके चारों सर्कल में आपको इस सर्कल को ले जाना है, इसको जूम करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इसको स्कैन करिए और इसको जो है सेव करिए या शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव दोस्तों वीडियो के लिए बने रहिए टेक्विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।